वंचित वीवीए के उम्मीदवार अबुल हसन खान के कार्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे दिग्गज वीवीए कार्यकर्ता रहे मौजूद। वंचित बहुजन अघाड़ी के दक्षिण मध्य मुंबई उम्मीदवार अबुल हसन खान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अनुशक्ति नगर विधानसभा के पांझरा पोल में किया गया, जहां वीवीए के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अबुल हसन खान ने अपनी पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जहाँ एक और देश की बड़ी बड़ी पार्टियाँ सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें टिकट नहीं देती हैं, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी ने हमें टिकट दिया है। निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है और जिस तरह से हमारे मुंबई के अध्यक्ष अबुल हसन साहब है, इनको इस लोकसभा की जो उम्मीदवारी मिली है, आज सुबह से करीबन ये नवा ऑफिस का उद्घाटन है अनुशक्ति नगर में। जो इतने सालों से, जो वर्षों से जो सांसदों ने काम नहीं किया, जो बेरोजगारी को लेकर हो कि घर को लेकर हो, जो समस्या आज भी वैसी ही है, तो निश्चित तौर पे अबुल हसन साहब एक नया उम्मीदवार बोल के इस सारी समस्याओं को हल जरूर निकालेंगे। निश्चित तौर पे जो लोगों ने आज तक मुस्लिम मतों के भरोसे जो राजनीति की है, उसका फायदा किया है, फिर वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, जिन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है, हमारे श्रद्धेय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इनका विजन मुस्लिम को लेकर बहुत क्लियर था। हमने पूरे महाराष्ट्र में 6 उम्मीदवार दिए हैं और हमारे मुंबई के अध्यक्ष जो अबुल हसन साहब आपके खास है, इन्हीं को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, ताकि कथनी और करनी में जो फर्क है ये हमारे में कि हम बराबरी की हिस्सेदारी देना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंने बता रहा था कि 10 वर्षों से सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री जो आज मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी मुद्दों को लेकर बात नहीं करते, राजनीति में क्या 10 साल में उन्होंने किया, उसके भरोसे वोट मांगना चाहिए था, वो चीज भूल रहे हैं और आज आके जी जो आपके सामने उम्मीदवार दिए जाते हैं उनमें भी यही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि अबुल हसन साहब मुंबई को हर गली गली कूचे में घूमे हुए है, 5 साल से अध्यक्ष रहे, तो निश्चित तौर पे वो न्याय देने का काम यहाँ पर करेंगे। आप सभी के माध्यम से आप जानते होंगे कि ये लड़ाई हमने शुरू की थी। यहाँ पर हमारे नेता सुजाद अम्बेडकर ने सबसे पहला अडानी के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया था वह है, और हमारे जो नेता है ये हमेशा शोषित समूह के साथ रहे, घर की बात हो, जहाँ जहाँ आज सुबह से हमने देखा है कि चेंबूर में हो, उसके बाद जहाँ जहाँ भी हम आज सुबह से गए हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है। इनकी लड़ाई आज आपके माध्यम से हम गवाही देना चाहेंगे कि हमारा उम्मीदवार भी यहाँ पर है और पार्टी के हमारे जो स्पेशलार है वो हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे। और बाला साहब अम्बेडकर की भूमिका पहले से रही गई है, जो बीड़ी चाल को लेकर जब जब भी घरों की समस्या आई है बिल्डरों के खिलाफ हम लोग है, ताकि जिसको न्याय उसको वहीं घर मिलना चाहिए, बिल्डर चाहे कितना भी बड़ा हो, सामान्य आदमी का जो घर है उसका सपना वहीं पूरा हम करेंगे जी। निश्चित ही आज उस पर बात करके तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज जिस तरह से वोट की राजनीति उन्होंने की है, आज शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी बम्बई में है नहीं, लेकिन कांग्रेस की जनता सेना के उम्मीदवार को वोट करना नहीं चाहती और शिवसेना के लोग कांग्रेस को वोट करना नहीं चाहते, ये आपके सामने भली भांति चित्र है। हम एक पर्याय लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं इस वंचित समूह के साथ बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र की जनता इस बार वोट की। दक्षिण मध्य मुंबई से बाला साहब ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, और मैं इंशाल्लाह करता हूँ आने वक्त में उनके भरोसे को तोड़ूंगा भी नहीं, और जो मसले और समस्याएं हैं दक्षिण मध्य मुंबई में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्षेत्र में लगभग 14 लाख वोट हैं, जिसमें से दलित समाज, वंचित समाज लगभग 2.25 लाख वोट हैं, 3,75,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं, तो लगभग 6 लाख वोट दलित मुस्लिम समाज के होते हैं और बकिया समाज के वोट हैं। लेकिन इसमें लड़ाई सेना और वंचित में, भाजपा और सेना वंचित में है, क्योंकि वो सेना दोनों एक ही थे पहले, अब वो टूट के दो पार्ट्स हुए हैं। इसलिए वंचित का ऐसा है कि बेरोजगारी का मसला है, पोल्यूशन का मसला है, और संविधान में जो कुछ मानवाधिकार ताकतें चेंजेस करने की सोच रही हैं
तो उसको लेके पार्लियामेंट में पहुंच के उसे रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अब हम लोग लोगों से मिल रहे हैं तो पिछले 10 सालों से राहुल सिवाले साहब यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, लेकिन अगर वो लोगों ने का काम किए होते तो उन्हें भी लोगों का प्रेम और स्नेह मिला होता, लेकिन वो जो जा रहे हैं लोग उन्हें प्रेम और स्नेह नहीं दे रहे, ये उन्हें भी पता है। जब देश आज़ाद होने से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट आप उठा के देख लो तो मुसलमान अक्सर रहे हैं, लेकिन 1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद कोई भी मुसलमान को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया आज तक। पहले तो कुछ कैंडिडेट दे दिए जाते थे, लेकिन ये 2024 ऐसी आई है कि खाली महाराष्ट्र नहीं, अदर्स अलग भी स्टेट में भी एक भी उम्मीदवारी कांग्रेस ने मुसलमान को दी नहीं है। मुसलमान का खाली वोट लेना जानती है और मुसलमान को उम्मीदवारी देना उन्हें मंजूर नहीं है। अब की बार जरूर बदलाव होगा। मुस्लिम कौम भी समझ रही है कि हमें यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। अब वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अब जब हमारा आदमी खड़ा होता है तो उनको उम्मीदवारी नहीं देखती दी जाती, वो इंटरेस्टेड भी होता है, पक्ष में काम भी करते हैं तो लोग नहीं दिया जाता है। इसके लिए अब की हो इंशाल्लाह बदलाव जरूर आएगा। देखो कार्यालय ओपनिंग एक कार्यकर्ताओं में एक माहौल बन जाता है मोटिवेशन का, उनका मॉरल बढ़ता है, और हमारी कोशिश यही रहेगी आप जैसे हमारा एक प्रॉब्लम है, मतलब हमको चुनाव चिन्ह देर से मिला है, हम एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इसके वजह से देर हुई। इसके पहले हमने हमारे उम्मीदवार का चेहरा पूरे चुनाव क्षेत्र में घुमाया है, और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आप कल से देखते रहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता गली गली घूम रहे, घरों घरों में जा रहे, पर्ची बांट रहे, लोगों से मिल रहे, और कल से हम लोग एक मतलब एक अच्छी लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप देखोगे चीता कैंप में हमारी काफ़ी मीटिंग हुई है, इसके पहले कुछ अलग मैसेज चल रहा था, अभी लोगों तक सही मैसेज गया है कि चुनाव होने के बाद भी लोग बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। वंचित एक ऐसी एक पार्टी है कि कोई भी मामले में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगी। देखो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छे से मिल रहा है, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी हम लोग घर घर तक पहुंच रहे, हमारी बात रख रहे, हम कोशिश कर रहे, हम लोग लोगों को बता रहे और हम लोग कामयाब भी हो रहे, लोगों का बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है, मुस्लिम मोहल्ले में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। तो अभी आप ऐसा बोलोगे कि कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर था, तो हम बोलते हैं कि नहीं, कि कांग्रेस ने भी टाइम टाइम पे सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं। जब भी हम लोग बचपन मतलब जब समझ में आया था घर में हमारे सिलेंडर आया था तो 90 रुपये सिलेंडर था, कांग्रेस ने उसको 400 लेके गया और ये लोगों ने उसकी 3 गुना दाम बढ़ाए, 1200 तक लेके गए। मतलब कांग्रेस भी सही नहीं, बीजेपी भी नहीं सही है। इसके लिए हम लोग ने चुनाव चुनना हमारा गैस सिलेंडर लिया है ताकि लोगों तक हम लोग और अच्छी तरीके से पहुँच जाए, और हम लोग अगर इसमें सक्सेस होते हैं और हमारी सरकार बनती है या हम सरकार में शामिल होते तो हम लोग का पहला मुद्दा ये रहेगा कि गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी कम हो। विकास कहाँ गुम हुआ है ये तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, बहुत टाइम से हम विकास नाम के लोगों को ही पहचानते हैं, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। 15 लाख का जुमला आप लोगों ने देखा है, 2 करोड़ नौकरियां आप लोगों ने देखा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति पे बात कर रहे हो, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग मीडिया वाले ने ये बात उछालनी चाहिए कि विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है, या तो फिर विकास नाम के व्यक्ति को ढूंढो और उसको बताओ विकास विकास ये विकास है। हम लोग ने पॉलिटिकल एनालिसिस रिपोर्ट निकाला, हम लोग ने उसमें देखा कि यहाँ पे SC जो वोटर्स है वो तकरीबन 2.25 लाख वोटर्स है, और मुस्लिम वोटर्स देखे वो देखने के बाद हम लोग खुद चौंक गए, वो 4.25 लाख वोटर्स यहाँ पे है। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, और ताकि मुसलमानों में एक उम्मीद जागी हुई है, मोदी के खिलाफ वो लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खुल के बाहर आ रहे, शिंदे शिवसेना के खिलाफ खुल के बाहर आ रहे, तो उनको एक ऑप्शन चाहिए कि दूसरी जो UBT शिवसेना है, मतलब उद्धव भाला साहब की शिवसेना है, कल की स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये लोग कभी भी मोदी और उद्धव साहब कभी भी एक आने के कोशिश में है, तो आज लोगों को ये समझ में आए कि कल बीजेपी शिवसेना कभी भी एक हो सकती है, इसके बारे में वो वंचित का अभी अल्टरनेट ऑप्शन मुस्लिम लोग ढूंढ रहे। ये हमारी कोशिश पहले से थी और हम लोग इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जी।